नोटबंदी को लेकर उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा नोटबंदी जानबूझकर बनाया हुआ संकट, ऐसे दिखाया गया जैसे सब चोर हैं। बीएमसी चुनावों के लिए कांग्रेस ने जारी किया विजन डॉक्यूमेंट, 700 स्क्वायर फीट तक के घरों का प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बढ़ाने का ऐलान। फेसबुक पर महाराष्ट्र की जनता से पीएम करेंगे सीएम फडणवीस से बातचीत, घोषणा पत्र को लेकर जनता की लेंगे राय। घोषणा पत्र के लिए पहले मिस्ड कॉल मुहिम शुरू कर चुकी है बीजेपी। बीजेपी में बीएमसी चुनावों में कांग्रेस और शिवसेना के बीच सांठगांठ का लगाया आरोप, कहा 42 प्रभागों में एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए उतारे कमजोर उम्मीदवार। शराब पार्टी में डांस करने वाले नगर निगम के 9 ठेकेदारों को किया गया निलंबित, डांस वीडियो वायरल होने के बाद कमिश्नर ने उठाया कदम। मुंबई के मानपुर इलाके में बीएमसी के गड्ढे में गिरने से 2 लोगों की मौत, कॉन्ट्रैक्टर पर गैर रदातन हत्या का केस दर्ज। रेप के आरोप में मुंबई पुलिस ने 2 नाबालिग छात्रों को किया गिरफ्तार, लड़की के साथ एक ही कोचिंग में पढ़ते थे आरोपी। मुंबई करों को नशे से बचाने के लिए पुलिस ने शुरू की अनोखी मुहिम, ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों की मदद से लोगों को करेंगे जागरूक। सैफ अली खान को लेकर अभिनेत्री करीना कपूर ने किया खुलासा, कहा बेटे तैमूर के डायपर भी बदलते हैं सैफ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तारीफ की, कहा वहां से वो मिला जो बॉलीवुड के लोगों से नहीं मिल सका। सुशांत सिंह राजपूत और जैकलिन फर्नांडिस की एक साथ आएंगे नजर, धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म ड्राइव में दिखेगी जोड़ी। आमिर की फिल्म दंगल पर निर्माता निर्देशक विधु।